मात की जय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। ऐसे मॉर्निंग जबरदस्ती वाली हुई है, लेकिन फिर भी सुन लो गुड मॉर्निंग, ठीक है। बाकी ये कि लेने आए किसी को, ट्रेन आई है, इसी में है वो। अगर आप नोटिस करें या मेरी ज़िंदगी का कभी स्प्लिट बनेगा ना, जैसे बिजनेस में स्प्लिट होता है कि इतना परसेंट इसके पास है, इतना परसेंट फाउंडर के को फाउंडर के पास है, वैसे अगर आप मेरी ज़िंदगी का स्प्लिट करोगे ना, उसमें 5-10% ज़िंदगी मेरी यहीं कटी है। दिल्ली कैंट सराय रोहिल्ला पुरानी दिल्ली निज़ामुद्दीन, लेने जाने में, किसी को छोड़ने जाने में, घूमने नहीं गया मैं, सिर्फ लेने जाने में और आने जाने में। ओके बड़ी, बेस्ट ऑफ लक, जाओ तैयार हो जाओ, पूरी टीम लेके जल्दी पहुँचो। गुड मॉर्निंग हर्षित भाई, बूम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनली भैया वो दिन आ चुका है जिसका मुझको और सबको, सभी क्रिकेट लवर्स को बहुत बेसब्री से इंतजार था। अभी हम मौजूद है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम अशोक विहार दिल्ली, टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, हमारा दूसरा मैच है, हम पहले मैच से भी पहले आ चुके हैं। तो ये है क्रिकेट का पागलपन, क्रेज, जुनून, जो भी आप कहो। हमारे टीम के खिलाड़ी सब आ चुके हैं, सभी खिलाड़ियों को मैंने टाइम से बुला लिया। वैसे मैच 10 बजे था, मैंने बोला 9 बजे आओ, प्रैक्टिस करो, वार्म अप करो, नॉकिंग करो, जो करना है करो, मेरी तरह पंचुअल होना सीखो। शाबाश शाबाश आशीष, शाबाश। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम। क्या बात है, अरे वाह, ग्राउंड में आ चुके भैया और मैच में भी टाइम है, हाथ में फोन है, स्लो मोशन है, फिर सिनेमैटिक्स नहीं बनाएंगे तो फिर पैसे वसूल कैसे होंगे, ठीक है। सो प्रेजेंटिंग यू द सिनेमैटिक क्रिकेट शॉट। टॉस होता हुआ पहले मैच का और जेपी स्ट्राइकर वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बूम कर दो, फोन का ध्यान रखना और दुआ करना हम जीत गए। बूम। तीन ओवर की समाप्ति के बाद तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया है, मणिपुर 11 वन द टॉस डिसाइडेड टू बैट। जीत के लिए पहला ओवर हरीश डालेगा, दूसरा मैं डालूंगा। अगर हरीश का पहला सही जा रहा है और विकेट गिर गई है तो हरीश तीसरा डालेगा, अगर विकेट नहीं आया तो एक और इसका बचा के रखेंगे, और कोई थ्रो फेंक है तो पीछे बैक करने आ जाना, अभी तुम लंगर की तरह खड़े रहो, चलो जाओ। बॉलिंग को सारा मैनेज हरीश करेगा, ठीक है, और जो बोल दे वो फाइनल है, ठीक है।
बैटिंग में हिमालय के साथ मैं ओपनिंग जाऊंगा। बाकी कैच छूटती रहे छोड़ने देना, 8 ओवर का मैच है। सो गाइस आज हमारा फर्स्ट मैच है और टॉस हुआ, टॉस हम हार गए। सामने वाली टीम ने बैटिंग लिया, मादीपुर 11 ने, वी आर मादीपुर यंगस्टर्स, तो हमारी फील्डिंग है। देखते क्या होता है, जी जान लगा देंगे, जीत के आएंगे। और ये हमारे ब्लॉगर आशीष ऑन फील्ड, बूम बूम, क्या हाल है? ये चैनल में कॉपीराइट आ जाएगा मेरी शक्ल बिना पूछे। कोई बात नहीं, तेरे लिए ही डाल रहा हूँ। मैच बाहर बाहर जाऊंगा। ओके, कैसा लग रहा है सर? कैसा लग रहा है जिता के मैच को? चार बोले खोदी, 2 ओवर खेले, 36 रन बना दिए इन्होंने। ओपनिंग जोड़ी नहीं जिता दिया, पीछे से नाम दिखा दो। यो, हम जीत गए। ओए, इसमें धक्का नहीं लग रहा। ये शक्तिमान शक्तिमान, हम भैया कबूतर पे घूम रहे हैं। धक्का मारिए थोड़ा सा, वो उल्टा होते। राजकोट में होते, हर घर में झूले होते भाई। देखो भैया हमारे खिलाड़ी मैच जीतने के बाद कितना खुश हो गए। तो 36 रन बनाए हमारे सामने वाली टीम ने, जो मादीपुर की टीम थी, और 8 ओवर में 36 बनाने थे हमको। वो है ना बीच वाला हिमालय भाई साहब, 2 ओवर में रन मार दिए हमने। 2 ओवर, 2 या 3 बॉल कुछ हुए थे, मेरे बाल खराब हो गए यार। पहला मैच हम दीपू से जीत चुके हैं, बूम। अब है इनका दूसरा मैच, जीत के आना, ठीक है, कोई बात नहीं, हम हार गए, लेकिन एक मैच और है। पता है ना पिज्जा की बात हुई थी, लेकिन 5,000 ऊपर से भी। जनता हमारे साथ खा रही है, ये हमारे दूल्हे राज आ रहे हैं। भोजन प्रक्रिया चालू है भैया, हमारे सारे खिलाड़ी जीत जीत के खाना खाने में लगे हुए। तूने खा भी लिया? ऋषभ भाई थोड़ा ढंग से खाना, एकदम दबा के, ठीक है ना? कुछ कम पड़े तो बहुत सारी आई है, गुजरात समाज के पास बहुत पैसा है। अरे राहुल भाई भी यहीं है क्या? ये हमारे खिलाड़ी जीत जीत के ढह गए सारे, कमजोर पड़ गए। कल भी मैच है बेटा, शाबाश। मैच समाप्त होता हुआ, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कवर्स आ चुके हैं। हमारी टीम ग्रामीण सेवा की तरह भर भर के जा रही है, भागम भाग भी नहीं होता। ये भैया हम विपक्षी दल के कप्तान के साथ जा रहे हैं, अफसोस वो मैच हार गए। दिल जीत लिया लेकिन बिके नहीं हुआ एंड तक। 5,000 रुपए की हमने बोला था कि 5,000 ले लो, लेकिन बिके नहीं। वेल्डन दीपू, वेल्डन, दे दो। सो गाइस आज हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ फाइनली, और हमारा जो फर्स्ट मैच था हमारी समाज की दूसरी टीम से, उनसे हम जीत गए और अच्छे मार्जिन से जीते। अब कल हमारा नेक्स्ट मैच है जो कि है राउंड रॉबिन मैच, अगर हम वो जीत जाएंगे तो हम सेमीफाइनल्स में एंट्री कर देंगे, फिर सेमीफाइनल के बाद फाइनल। मतलब अगर देखा जाए, अगर कल फाइनल जीतना है तो हमें 3 मैच जीतने पड़ेंगे, एक भी मैच हारते तो वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। दूसरी बात ये कि बहुत मेहनत लगी भैया उस सब सिनेमैटिक्स बनाने में, क्योंकि पहले 1-2 घंटे तो हमारा मैच पे फोकस था क्योंकि आज एक ही मैच था, फिर वो मैच जीतने के बाद हमने ज़्यादा ब्लॉगिंग करी है, सब कुछ बनाया है। तो जो भी बनाया है आप, आई होप आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि टूर्नामेंट में होता क्या है, सोच के बहुत कुछ जाते हैं लेकिन ध्यान सारा क्रिकेट पे होता है, फोकस सब क्रिकेट पे ही होता है, मैच पे ही होता है। तो ऑन ग्राउंड तो मैं कुछ कर नहीं सकता जब हमारा मैच होता है, जितना मैनेज हो सकता था, जितना मैं बना सकता था, मैंने ब्लॉग्स बनाए, लेकिन सिनेमैटिक पैसा वसूल है, आप जरूर देखिएगा। सो गाइस आज जो आपने खतरनाक सिनेमैटिक्स देखा है वो इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि आज हमारी खतरनाक टी शर्ट्स थी आशीष 24, और स्पेशल शाउट आउट टू ऑल द स्पॉन्सर्स जिन्होंने अपना तन मन धन से इसमें योगदान दिया है, स्पेशली धन से, क्योंकि धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें अच्छी टी शर्ट्स बनवाने के लिए। और ये शिव नरेश की टी शर्ट है, काफ़ी कॉस्टली है, बट मैं एक चीज़ नहीं कर पाया कि ब्रांड्स के नेम इस पर लिखवाना चाहता था ताकि उनका भी कुछ प्रमोशन हो, बट बजट से बाहर जा रहा था इसलिए नहीं करवा पाया। बट फॉर श्योर नेक्स्ट टूर्नामेंट में हम ऐसी टी शर्ट बनवाएंगे कि हम ही चमकेंगे चारों तरफ, जैसे इंडिया में होता है ना, यहाँ पर ओप्पो सहारा लिखा होता है, हमारा जो ब्रांड सबसे ज़्यादा योगदान देगा धन वाले रूप से उसका नाम हम सबसे आगे लिखवाएंगे। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। और कल हमारा नॉकआउट मैच, सेमीफाइनल और फाइनल है, आई प्रे कि हम जीते, यू प्रे कि हम जीते, एंड वी ऑल प्रे कि हम ही जीते, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड अगेन कल जब ये व्लॉग आएगा तो जीत की खुशी या हार का गम चल रहा होगा। बाय बाय।
मार जाओ।